आज के इस अंक में हम बात करेंगे नींद को लेकर। बहुत से लोगों को ऐसी समस्या है कि नींद ज़्यादा आती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि इतनी नींद आती है कि काम पे हैं, ऑफिस में हैं, अपने काम कर रहे हैं, वहाँ भी सो रहे हैं, घर आते ही सोना है, सुबह देर से उठना है। नींद अक्सर उनके शरीर में पनपती रहती है, बहुत शरीर ढीला रहता है, सुस्त रहता है। मैं जानना चाहूँगा इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है। जब आपके दिमाग के अंदर किसी किस्म का नजला रुक जाता है और सिर में भारीपन थोड़ा सा आ जाता है, तो उसको हमेशा सोने से आराम मिलता है। और ज़्यादातर आंखें बंद करके, नींद ना भी आए तो आंखें बंद करके पड़ा रहता है, उसका बोलने को मन नहीं करता। ये आपको 100 में से 1 या 2% ऐसे हर जगह मिलेंगे। और जिनका यह हाल होता है उनको ना तो खाने की होश होती है, ना काम करने की, ना किसी से बातचीत करने की दिलचस्पी होती है। और ये रोग एक बहुत ही घातक रोग है। इसमें आदमी बजाय इज्जत बनाने के बेइज्जती बेइज्जती हो रहा है। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, परंतु आयुर्वेद में, स्वस्थ विचार में इस रोग को ऐसे निकालते हैं जैसे दूध में से मक्खी निकाल के दूध को प्रयोग में ला लेते हैं और मक्खी को फेंक देते हैं। ऐसे इस नींद को शरीर से भगाते हैं और शरीर में चुस्ती लाते हैं। तो जो नुकसान मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें, लिख करके रखें। और जिसके साथ भी ऐसी दुर्दशा है वो इस नुस्खे को अपनाएं और अपनी भयंकर नींद से मुक्ति पाएं। आप 6 घंटे से फालतू नहीं सो सकते और 16 से 18 घंटे आप कंटिन्यू काम भी करेंगे तो आपको थकावट भी नहीं होगी। सबसे पहले सोंठ लें आप, बढ़िया वाली जिसमें अंदर रेशा नहीं है, 10 ग्राम। 10 ग्राम लें आप पीपल, 10 ग्राम लें सफ़ेद मिर्च। इन तीनों चीज़ों को पीस करके कपड़े से छान लें, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, इसके मैदे की बांधते हैं। अब इसको शीशी में बंद करके रख लें। अब एक ड्रॉपर में आप शहद फिल्टर करके भर दें। अब इस शहद की दो दो बूंद आँख में डालें और आँखें बंद करके 2 मिनट तक बैठ जाएं। अब जब शहद आँखों में दो दो बूंद डालेंगे तो आप बहुत तेज़ लगेगा और आँखों से पानी ऐसे टपकने लगेगा जैसे पहाड़ों से पानी रिसता है। फिर 2 मिनट के बाद जब आपकी आँखें बिल्कुल साफ़ हो जाए, पानी आना बंद हो जाए, अब आप ये जो त्रिफला आपने बना रखा है, सौंठ, पीपल और सफ़ेद मिर्च का, इसमें उंगली में जैसे काजल लगाते हैं ऐसे लगा के नीचे की पलकों पे काजल की भांति लगाएं और आंखें बंद कर लें। जब आप आंखें बंद करेंगे लगा के तो आपको बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होगा थोड़ी देर के लिए। आस्ते आस्ते उसमें ठंड पड़ेगी और आपकी आंखों से पानी अब पहले से भी 3 गुना फालतू निकलेगा और शरीर में पैर के तलवे से सिर के बाल तक ऐसे हल्कापन आएगा जैसे आपने सिर के ऊपर बोझा उठा रखा था, उसको नीचे उतार के शरीर में राहत मिलती है, ऐसे आपको राहत मिलेगी। ये क्रिया आप हफ्ता 10 दिन करते हैं तो आप 24 घंटे में 6 घंटे से फालतू नहीं सो सकते और काम में मन लगेगा और जितना काम करेंगे उतने ही शरीर में आपको चुस्ती आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात और है कि यदि आपकी आंखों में चश्मा लगा तो चश्मे का नंबर भी घटना शुरू हो जाएगा। और इस क्रिया को यदि आप 1 महीना 1.5 महीना अपना लेते हैं तो जिनका प्लस माइनस दोनों चश्मे लगे हैं उसका प्लस का चश्मा तो
महीने डेढ़ महीने में उतर जाएगा, और मेंस का चश्मा जो है वो भी दो ढाई महीने में बिल्कुल उतर जाएगा, चाहे उसका कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आयुर्वेदिक दवाई का किसी का प्रयोग करें तो इसमें चाय, बीड़ी, सिगरेट, मीट, अंडा, पेप्सी, लिमका, ब्रेड, बिस्कुट, आर्टिफिशियल चीज़ें सब छोड़नी पड़ती हैं। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का खाना 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है 2-4 ग्राही खाना खाया 2 घूंट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया 2 घूंट पानी पिया। खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटे का समय लगाना अति आवश्यक है। दिन में 10 से 12 के अंदर, रात्रि 6 से 8 के अंदर। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम के आधा घंटा सो जाएं, और रात्रि का टाइम है तो वज्रासन से उठ के आधा घंटा घूमें, उसके बाद घंटा डेढ़ घंटा आप पढ़ें लिखें, धार्मिक सीरियल देखें, या आपका जो भी कार्य है उसको करें। उसके बाद सोते एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, और सुबह 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है ऐसे अपने आप ऑटोमेटिक आपके आँख खुल जाएगी। उसके बाद आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी दवाई दारू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी।